हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी को मजबूत करने में। ठीक है, आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है द पार्टी which originates in a particular region or state and works for its and its people is called regional political party. एक ऐसी पार्टी जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या एरिया में ओरिजिनेट हुई हो और सिर्फ वहीं के लोगों के लिए काम करती हो, उस पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट के लिए और वहाँ के वेलफेयर के लिए काम करती हो, उसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि इसका क्या रोल होता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। फर्स्ट, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर डाइवर्स। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको ये मोर डाइवर्स बनाते हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती है, तो हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पे इसका एरिया भी बहुत बड़ा है और सोशली भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है सोसाइटीज हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं और उनके इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। ठीक है, सेकेंड है, मैनी ऑफ दीज रीजनल पार्टीज आर द कोएलिशन पार्टनर्स ऑफ द रूलिंग नेशनल पार्टीज। बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो होती हैं वो कोएलिशन पार्टनर्स होती है नेशनल पार्टीज। ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर में ये लोग पार्टनर होती है नेशनल पार्टीज की। दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म, जिससे जो है फेडरलिज्म को भी मजबूती मिलती है एंड डेमोक्रेसी इन आर कंट्री। डेमोक्रेसी को तो मजबूती मिलती ही है, जिससे क्या है सेंट्रल लेवल तक जो है रीजनल प्रॉब्लम इश्यूज नहीं पहुंच पाते, तो ये काम जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। थर्ड, रीजनल पार्टीज प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्सेस देती है किसी भी गवर्नमेंट को, उसकी मशीनरी को, वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसको तो नहीं पता होगा ना झारखंड में क्या इशू है, झारखंड के बेसिक किसी एरिया में क्या इशू है, या गोवा में क्या इशू है, या सिक्किम में क्या इशू है, या कहीं गुजरात में क्या इशू है। तो ये सारी जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उनको थोड़ा एडवाइस और जो है आइडियाज भी प्रोवाइड कराती है रीजनल पार्टीज किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।